हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम फूड रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे मिक्स वेज रायता, जिसे आप किसी भी सब्ज़ी या पराठे के साथ बना के खा सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी सामग्री देख लेते हैं। मिक्स वेज रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है दही। ये 1 कप दही है। इसे मैंने कपड़े में बांधकर इसका सारा पानी छान के इसे गाढ़ा कर लिया है। 1.5 चम्मच बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है। 1.5 चम्मच बारीक कटा हुआ खीरा। 1.5 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज। 1.5 चम्मच बारीक कटी हुई गाजर। 1 छोटा चम्मच मैंने चुकंदर लिया है। ये ऑप्शनल है, क्योंकि इससे रायते का कलर चेंज हो जाता है, तो आपको अगर नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच अनार के दाने। 1 छोटी चम्मच हरे धनिया। स्वाद के अनुसार नमक। काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून। 1/2 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। जीरे को मैंने तवे पे सेक के उसका पाउडर बना लिया है। और काला नमक 1/4 टीस्पून। तो सबसे पहले इस दही को हम फेंट लेंगे। तो मैंने इस तरह का हैंड बीटर ले लिया है, जिससे हम दही को फेंट लेंगे। दही को इस तरह फेंटने से उसमें गुठलियाँ नहीं रहती और इसका टेक्सचर एकदम स्मूथ हो जाता है। तो मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें सारे वेजिटेबल्स एक बाद एक डालते जाएंगे। तो ये बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटा हुआ खीरा, गाजर, प्याज, चुकंदर, अनार के दाने, हरे धनिया, स्वाद के अनुसार नमक, भुने जीरे का पाउडर, काला नमक और लास्ट में काली मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। अब सब कुछ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये दही मैंने ना ज़्यादा खट्टा और ना ज़्यादा फीका, वैसा मीडियम लिया है। अगर आपको इसमें से कोई भी वेजिटेबल्स ना पसंद हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपको पतला रायता पसंद हो तो आप इसमें से पानी नहीं भी छानेंगे तो भी चलेगा। मुझे थोड़ा गाढ़ा पसंद है, तो मैंने कपड़े में बांधकर इसका सारा पानी निचोड़ लिया था। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारा मिक्स वेज रायता। मैंने इसे अनार के दाने और हरे धनिया से गार्निश कर लिया है। आप इसे आलू पराठा, पनीर पराठा या कोई भी स्टफ पराठे के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको मेरा ये वीडियो गुजराती में देखना हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।